दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। क्या किसी मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर एक दौर में कई तरह के तरीके आजमाए गए हैं। जाहिर है कि जिस जगह इतने सारे मुर्दे हों, वह कब्रिस्तान ही कहलाएगा। आज हम बात करेंगे चीन के एक ऐसे स्थान के बारे में, जहां पर कई लाशें काफी समय से जिंदा होने की उम्मीद में हवा में तैर रही हैं। चीन के सिचुआन प्रांत के गोंजियान इलाके में हजारों सालों से ये कब्रिस्तान दुनिया भर में एक रहस्य बना हुआ है। पहाड़ पर एक तरतीब से लटकाए गए ये ताबूत हवा में झूलते हुए नजर आते हैं। आज के युग में भले ही हमारी दुनिया ने तरक्की कर ली हो, लेकिन हजारों साल पहले ये कब्रिस्तान कैसे बना था, इस सवाल ने आज भी लोगों को परेशान कर रखा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन ताबूतों में बंद शवों को छेड़ना उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक खास तरह के धार्मिक क्रिया के बाद उन्हें इन ताबूतों में बंद किया गया है। कहा जाता है कि इन शवों को बो नामक जनजाति के लोगों ने दफनाया है, और ये समुदाय चीन का सबसे पुराना आदिवासी कबीला है, जिनका मानना था कि शवों को हवा में लटकाने से उनके जिंदा होने की संभावना रहती है। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि इन्हें हवा में लटकाने का मकसद ईश्वर से मिलने की इच्छा थी, और मरने वाला खुद अपनी जगह इस कब्रिस्तान में तय करता था और उसके मरने के बाद उसे ताबूत में बंद करके यहाँ लटका दिया जाता था। लोगों का कहना है कि ये ताबूत यहाँ के राजा और उसके परिवार के हैं। खास बात तो ये है कि ये ताबूत आम ताबूतों से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें बनाने के बाद इन्हें कांसे के कवर में ढक दिया गया। इन सभी ताबूतों को पहाड़ पर एक ही सीध में लटकाया गया है, और इनके ऊपर पहाड़ का निकला हुआ हिस्सा ऐसा आभास कराता है कि जैसे वह एक छाता हो। इस कब्रिस्तान में ताबूतों को दो अलग अलग तरीकों से लटकाया गया है। कुछ ताबूतों को पहाड़ पर लकड़ी के मजबूत लट्ठे ठोक कर टिकाया गया है, तो कुछ ताबूतों को पहाड़ में उनके साइज जितना छेद करके रखा गया है। पहाड़ में गाड़े गए ये लकड़ी के लट्ठों को देखकर ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर उस समय इन पत्थरों में इतने बड़े छेद कैसे किए गए होंगे, और उसके बाद इन भारी भरकम लट्ठों को यहाँ तक कैसे पहुँचाया गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पहाड़ पर लटकता हुआ ये कब्रिस्तान उस समय की साइंस को बयान करता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर छेद करना और उन भारी भरकम लट्ठों को वहां तक पहुंचाना साइंस की बदौलत ही संभव है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ऊंचाई पर इन ताबूतों को कैसे पहुंचाया गया होगा। इतिहासकारों और पुरातत्व विवादों का मानना है कि पहले पहाड़ के नीचे मिट्टी का ढेर खड़ा किया गया होगा, जिसके जरिए इन ताबूतों को पहाड़ पर पहुंचाया गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें रस्सी की मदद से इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस वक्त इन ताबूतों को लाया गया, तब वहां एक नदी बहती होगी जिसका जल स्तर काफी ऊपर था, और इन ताबूतों को किश्तियों के जरिए ही लाया गया होगा। लेकिन इन सभी दावों को पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका सही जवाब केवल बो समुदाय के लोग ही जानते थे कि उनके पूर्वजों ने कैसे और क्यों इस कब्रिस्तान को बनाया। और आज इस समुदाय का एक भी सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा। किसी समय चीन पर राज करने वाला ये समुदाय अचानक कहां गायब हो गया, ये भी एक रहस्य बनकर रह गया। इनमें से एक ताबूत को जांचने पर वह 400 साल पुराना निकला, और वहीं कुछ ताबूत 1500 साल पुराने हैं, तो कुछ ताबूत 3000 साल, जिससे ये साबित होता है कि इस समुदाय के लोगों ने यहाँ पर काफी लंबे समय तक राज किया होगा, और इन शवों को यहाँ दफनाने की प्रथा हजारों सालों तक चलती रही। लेकिन एक दिन अचानक ही सब कुछ नष्ट हो गया। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं कि आखिर इस समुदाय के साथ ऐसा क्या हुआ था, या इन पर किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया होगा। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, और ये लटकता हुआ कब्रिस्तान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।